कैसे विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 इकाई 6 मालवजी फौजदार। तो इसमें हमें मालवजी फौजदार कौन है और उनके बारे में सब जो है इसके बारे में हमें यहाँ पर इस एकांकी में परिचय दिया गया है। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्रप्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं कि किस तरह से इस एकांकी में हमें कौन कौन से पात्र हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसके बारे में हम बच्चों देखते हैं। पात्र शिवाजी मालवजी तानाजी दरबान पहला दृश्य है। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पारसी किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। यहाँ पहले दृश्य में हमें जो कमरा है पूरा सुशोभित किया गया है और सामने भवानी का चित्र जो चित्र है वो सामने चित्र देखने को मिलता है। और कहते हैं कि पास में किशोर आयु का एक लड़का है जो मालवजी है, वो अपने हाथ में खुली तलवार लेके नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने वहाँ पर खड़ा है। तत्पर कब शिवाजी वहाँ पर सो जाए उसको मैं मार दूँ, इस तरह वहाँ पर खड़ा है। शिवाजी एक भय सपना देखकर उनकी आँखें खुल जाती है और उठ के बैठ जाते हैं। मालवजी उन पर वार करने जाता है, उतने में तानाजी आ जाते हैं और उसका जो मारने को आया है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इस तरह से शिवाजी को बचा लेते हैं। शिवाजी उस तरफ उसकी प्रेम दृष्टि से उसको उसकी ओर देखते हैं। शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो? बस शिवाजी तानाजी कहते हैं कि तुम कौन हो जो यहाँ पर दिखाया है कि जो किशोर वय का जो मालवजी है उसको हत्या करने आता है, तो उसके बारे में किसी को पता नहीं कौन है। लेकिन यहाँ पर शिवाजी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि तुम कौन हो? बस फिर तुम कौन हो? बालक वीरतापूर्वक कहता है मेरा नाम मालव जी है। बहुत वीरता से बालक कहता है कि मेरा नाम मालव जी है और मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आया हूँ। शिवाजी बहुत गंभीर स्वर में कहते हैं, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। शिवाजी उसे कहते हैं कि तुमने मुझे मारने आया है, लेकिन जो अभी सब तो पकड़ा गया है इसके लिए तुझे अब क्या दंड होगा तुझे पता है? क्या दंड तुझे भोगना पड़ेगा? मालाजी निर्भयतापूर्वक मृत्यु। मालाजी बहुत निर्भय होकर कहता है कि मृत्यु होगा और क्या। शिवाजी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी कहते हैं कि तुझे मृत्यु दंड होगा उससे पहले तुझे मैं जो पूछूंगा वो बात तुझे बतानी होगी। महाराजी कहता है शिवाजी इस तरह से उसे पूछता है। महाराजी कहता है वह क्या? महाराजी पूछता है कि क्या बात बतानी है आपको? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल चाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। शिवाजी के इसकी जो बातचीत करता है जो महाराजी उसकी बातचीत और ढंग से लगता है कि वो वीर पुत्र है, ऐसे लगता है सत्यवादी हो इस तरह से लगता है। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, तू सत्यवादी है, तू वीर पुरुष है और मुझे लगता है कि तू कभी झूठ नहीं बोलेगा, जब पूछूंगा इसको प्रश्न का उत्तर तो सही ढंग से देगा। मालव जी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालव जी कहता है कि इसमें छिपाने की क्या बात है, तुम जो आप जो कहोगे वो बात में सत्य होगी वो ही बताऊंगा, मैं इसमें झूठ की सहारा नहीं लूंगा। शिवाजी कहते हैं युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी कहते हैं कि तुम मुझे मार कर मराठा साम्राज्य है उस पर राज करना चाहते थे, तुम उसका मालिक बनना चाहते थे?
महाराजी कहता है नहीं, महाराजी कहता है नहीं मेरे कोई ऐसी इच्छा नहीं है। शिवाजी कहता है क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? शिवाजी उसे पूछ कहते हैं कि तुझे मैंने कोई कष्ट पहुंचाया, कोई दुख पहुंचाया, कोई हानि पहुंचाई? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? क्या मैंने कोई राष्ट्र के प्रति कोई मेरी जो फर्ज है वो अदा नहीं की, उसमें कोई राष्ट्र के प्रति मैंने धब्बा लगाया है, कोई खराब काम किया है, कार्य किया है? महाराज कहते हैं महाराज यह सब कुछ नहीं। महाराज कहता है महाराज ऐसा कुछ नहीं। शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में बात क्या थी तू मुझे मारने आए? महाराज कहते हैं यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। महाराज कहता है कि आप जो पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। महाराज कहता है कि मेरा जो पिता थे, मेरे जो पिता वो आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उछावर कर दिए। मेरे पिता ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। मेरे आज कहते हैं मेरे पिता और अपने देश के लिए अपना प्राण दे दिए और उनको मरे हुए आज 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। मेरे पिता नहीं रहे और अब मैं दो ही घर में 2 प्राणी हैं, मैं और मेरी माता। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया। आज 3 महीने हुए हम दोनों को मेरी माँ और मुझे पेट भर अन्न मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। फिर कहता है माधव जी कि इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसके बारे में सोच रहा था कि क्या करूं। इतने में एक सैनिक आया, उसने कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मेरा इसी लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। मुझे धन की लालसा हो गई और इसी कारण मैं आपकी हत्या करने आपके पास आ गया। किंतु अचानक समय आपकी आंखें खुल गई। मैं आपकी हत्या करने आया था लेकिन इसी समय आपकी आँख खुल गई और इस तरह मेरा जो विचार था आपको मारने का वो वहीं दफन हो गया। शिवाजी कहते हैं जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी माधव जी से कहते हैं कि तुमको इतना कष्ट था, इतना दुख था कि तुम्हारे पास इतनी मुश्किल थी, तो मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे कहना था मैं तुम्हें तो कुछ मदद करता। महाराज कहते हैं महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? महाराज कहते हैं कि मेरे आने की क्या जरूरत थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। जिस वीर सैनिक ने देश के लिए अपना प्राण दे दिए, प्राण उछावर कर दिए, उसके परिवार के पालन पोषण करना आपका कर्तव्य था। आपका जो आप चिंता करना आपका कर्तव्य था, आपका जो उसके लिए परिवार के लिए आपको सोचना चाहिए था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से मन में बालक की जो निडरता थी उसको देख के मन में वो दिखावट रोष दिखाते हैं शिवाजी। शिवाजी कहते हैं तानाजी इस बालक को ले जाकर जल खाना बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी तानाजी कहते हैं जाओ इस बालक को जल खाना बंद कर दो और इसे कल मृत्युदंड दे देंगे। महाराज जी कहता है मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। महाराज जी कहता है कि महाराज मैं मृत्युदंड मुझे दे दीजिए लेकिन मेरी जो एक बात है वो उसकी मैं भीख मांगता हूँ, आप मुझे वो दीजिए। शिवाजी कहते हैं वह क्या? शिवाजी पूछते हैं कि क्या चाहिए तुझे? शिवाजी इस तरह से पूछते हैं महाराज जी कहते हैं मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी कहता है कि मरने से पहले मैं एक बार मेरी माता है उसके दर्शन करना चाहता हूँ, उसको मिलना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी उससे कहते हैं शिवाजी कि अगर तुम अपनी माता के दर्शन करके वापस नहीं आए तो? शिवाजी इस तरह से उसे पूछते हैं। महाराज जी कहते हैं मैं वीर पुत्र हूँ। महाराज जी कहता है मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। महाराज जी कहता है कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मैं बचना नहीं चाहता,
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। शिवाजी कहता है, शिवाजी कहते हैं बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए। शिवाजी मन में मन और इसकी प्रश्न मन में वीरता की सराहना करते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ, यही देखना है माधव जी कब स्थान, जाओ और अपना जो कार्य करके आओ। शिवाजी, ओ इस बालक की वीरता उठकर कब भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। शिवाजी कहते हैं कि इस बालक में बहुत सारी वीरता है इसमें तो, और इसकी माता का वो भक्त है, तो ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं, नाताज तुम्हारी क्या राय है। शिवाजी कहते हैं ऐसे ही बालक अपने माता पिता की उसका मान लाज रखते हैं, उसका मान रखते हैं, और तुम ताजी इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या आपकी क्या राय है। ताजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस में मुग्ध हूँ। ताजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हो, मैं तो इस बालक की वीरता और इसकी जो साहस वृद्धि है उस पर बहुत ही मुग्ध हो गया हूँ। शिवाजी कहते हैं, ताजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा। शिवाजी कहते हैं, ताजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा, इसके बाद इसके साथ मैं क्या करूँगा। ताजी कहते हैं, नहीं महाराज। ताजी वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता आप क्या सब करेंगे। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मित्रों से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के बाद जो मृत्युदंड देने के लिए मैंने सोचा है वो उन्हें उससे मुक्त कर दूंगा और अपनी जो सेना है उसमें भर्ती कर दूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुझे पूरा विश्वास है मातृभूमि की रक्षा के लिए ये बालक कोई भी कसर नहीं रखेगा। अब इसके बाद के जो इकाई है, इसका जो बाकी का पाठ है, दूसरे वीडियो में हम देखेंगे।